नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को आपन को स्वागत करछी मु दुर्गा आशीष। गतकाली भली आउ एक संवेदनशील प्रसंग ये एम्बुलेंस सेवा जगै पालेनी, एम्बुलेंस गलानी, आउ जने कोरोना योद्धांकर जीवन चली जाइछि। गतकाली ब्रह्मपुर एभली एक घटना घटीथिला, किंतु ता पूर्वरु जुलाई 4 रे आस्कार एभली एक घटना, एभली एक हृदय विदारक दृश्य, एभली एक तांक जिए जहां को जीवन जाइछि, जो कोरोना योद्धा जीवन हारिछंती, तांक झियो जो कथा कहिछंती, छोटो झियोटिए कुनी झियोटे जो कथा कहुछि, ताहा प्रशासन को नेकी, आम व्यवस्था को नेकी, प्रशासन व्यवस्था को नेकी अनेक प्रश्न ठिया करुछि। आउ तांक कथा आपण को आंदोलित करिवो, आपण को मन को आंदोलित करिवो, आपण को मन रे भी अनेक प्रश्न सृष्टि करिवो। आज जदि कोरोना योद्धा सहित एमती हो तो काली आउ कहा सहित भी एमती हो पारे। आंबुलांस सबू रोगी को नहीं पार, कोरोना रोगी को नहीं पार, ए घोषणा काली जिला प्रशासन कला, गंजाम जिला प्रशासन काली एक कही, किंतु निद भांगा बेलू अनेक जीवन चली जाइए। आसतु शुणा जो कोरोना योद्धा जीवन हारी छोट झीटी कुनी झीटी कौन कौच। मो ना स्मृति रूपा पाढ़ी, मो बापा ना सुधार शंकर पाढ़ी, क्वारंटाइन ड्यूटी पड़ा था, केराई सिंहपुर चाकरी करुले, क्वारंटाइन सेन्टर ड्यूटी पड़ला सेल्फ क्वारंटाइन रोते बेस किसी सिमटम्स नाला, पर सिमटम्स आसला कि दिन पर टिके टिके ज्वर रहिबार, खास भी कम होबार, बेसी किछि माने सीरियसनेस नथिला बहुत दिन जे 4 जुलाई रे सकाळ सकाळ कहला किछि जणा पड़लानी, तापरे तांकर ब्लड वोमिटिंग होगा सकाळ 5टा रे। मम्मी बहुत ट्राई कले, बहुत जगह कल लगेले, आंबुलांस को कल लगेले, आंबुलांस आसला कितु नेलानी, कहला आम नबुनु, गोटे अलग नंबर दे, बहुत सारा अलग अलग जगह कल कराला, मात्र कोविड गाड़ी अणा हो पारानी। से भितरे बाबा ब्लड वोमिटिंग हो जाता, निश्वास नहीं पार नथिले, पार्टी ही जेती ने ट्राई करथुले, किंतु तापरे तांकर डेथ है कि कहला किछि जणा पड़लानी बहुत लेट रे। सकाळ 5टा रु ट्राई करछु आमे 10टा पाखा पाखी हेला टाइम को आसिला, जतळ गाड़ी सेतळ बाबा को निहाला, तापरे जणा पड़लै तांकर डेथ हो जाइछि। तापरे ता पर दिन आमर समसंगर टेस्ट हेला, टेस्ट रिपोर्ट बहुत लेट रे आसिला पॉजिटिव बोली, आमु क्वारंटाइन सेंटर को पठाई गला। तापरे मोर जेजे बापा और जेजे मां को टाटा हॉस्पिटल ने नहीं रखा हाला, से आईसीयू रे रखा हाला, से जेजे बापा गर भी 12 जुलाई रे डेथ है वाला। सिद्धार्थ शंकर पाढ़ी जने शिक्षक, जने कोरोना योद्धा, ये गोटे कोरोना योद्धांकर करुण कहानी जहाँ कहुथिले तांको झियो, तांको बापा जे सिद्धार्थ शंकर पाढ़ी जने टीचर थिले, कोविड जार जहाँ काम थिला कोविड रो काम रे से लागी थिले, कोरोना पाई से लड़ाई करुथिले, लोकों का सेवा करुथिले, विभिन्न संगरोध केन्द्र को जाउथिले, सेठी जहाँ आनुषंगिक सुविधा व्यवस्था करुथिले, किंतु जेते बेले तांको देह खराब हैला, जेते बेले फोन करा गला आंबुलांस को, प्रथमे गोटे आंबुलांस आसिला, किंतु से कोरोना संदेह करी सिद्धार्थ को नेला नाही। तापरे तांको स्त्री जहाँ छोट पिलाटीए कहुची, तांको मामा अर्थात सिद्धार्थ शंकर स्त्री विभिन्न जगह को फोन कले, कोविड गाड़ी को फोन कले, 104 को फोन कले, किंतु कहीं आसिले नी। जेते बेले आसिकी तांको एमकेसीजी को नियागला, सेते बेले एक रे तो विलंब हो सारीथिला, एमकेसीजी रे भी तांको अवहेला करागला एवं तांको सठिक ट्रीटमेंट करागला नहीं एवं तांको जीवन चलीगला। ये तो दुखद घटना, गतकाली भी एमती एक घटना घटीथिला, गतकाली आंबुलांस आसला किंतु नेला नहीं, विलंब हैला एवं डायबिटिस रे अफेक्टेड जने लोक को जहाँ को जना पड़ूला कि हे तो कोरोना होता है किंतु कोरोना पॉजिटिव तांकर नथिला, आंबुलांस नेला नहीं आउ जीवन चली गला। गत काली भी छोटो पिलाटीए जी तांको बापा को हरई थिला से कौन कहला मुझे टिके आपको देखापी चाहिए। एम्बुलेंस आईला बाबा नेलानी, बाबा डांडे का मरले, तांके कहले आउर नियम से आउ गोटे गाड़ी आईले का ना आम नबुन बोली कहले 108 आईला कह 104 आई नहीं आम कहल अन्य जिते रिक्वेस्ट कले नहीं नले नहीं बापा डांडे का मरले। आप देखिले दुई जन, जड़े गोटे छोट झी बापा हरई, ए पुओटी भी तांका बापा को हरई, आ दुईट जाक कहानी रे, दुईट जाक घटन रे आंबुलांस आसलानी, आसिकी भी रोगी को हॉस्पिटल को नेला नहीं, जहाँ प्रशासन व्यवस्था उपरे बड़ प्रश्न सृष्टि करुची, कारण एमाने तांका बापा को हरई, से जड़े तो कोरोना योद्धा थिले,
ଗୋଟେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାର କରୁଣ କାହାଣୀ ଇଏ ଏତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବ? ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବ, ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକି ଫେରିଯିବ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେବ ନାହିଁ ଆଉ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ତାହାଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଆଉ କିଛି ନ ହୋଇପାରେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର। ପୀତାମ୍ବର, ଗତକାଲି ଘଟଣା ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, 4 ଜୁଲାଇରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କ କୁନି ଝିଅଟିଏ ସେ କଥା କହୁଛି, ସେ କରୁଣ କାହାଣୀ କହୁଛି। ପୀତାମ୍ବର, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା? ଦୁର୍ଗାଶିଷ କହିପାରିବା, ଯେମିତିକି ଏଇ ଭିଡିଓ କିଛି ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା, ଅର୍ଥାତ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅହରହ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚା ଯାଉନି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣା ଏମିତି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଲୋକ ଜଣକ ବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସୁଅ ଛୁଟି ଥିଲା, ପ୍ରବାସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଦିନ ରାତି ଏମିତିକି ଘରକୁ ନ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେଇ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରର କାମ ସରିଲା, ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଗଲେ। ଘରକୁ ଗଲା ପରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା, ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଗତକାଲିର ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଯେ 104 ନେଇପାରିବ, 108 ନେଇପାରିବନି, ସେମାନେ 104 କି ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କୋଭିଡ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫେରିକି ଆସିଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗଲା, ପେସେଣ୍ଟକୁ ଧରିକି ଆସିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ, ମେଡିକାଲକୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ସେ ମୃତ ନା ଜୀବିତ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ଦେଖିଲେନି। ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶଳା ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶଳା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ କରିକି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ 4 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ପଡିକି ରହିଛି, ଗୋଟେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାର ହେଉଛି କାହାଣୀ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତାଟିଏ କେତେ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ? ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି, ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଭଳି ବାରମ୍ବାର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହୁଛି? କାହିଁକି ନା ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ସନ ହୋଇଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସୁରକ୍ଷା କଥା କହିବା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା କହିବା, ସେଇ କଥା କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ଉଠିନି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେମିତି ବିନା PPE କିଟ୍ରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା, କାହିଁକି ନା ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ରିଏଲିଟି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲୋକ କେମିତି ସୁରତ ସହରରୁ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିବା, ଔଷଧ କଥା କହିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କଥା କହିବା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହତାଦର ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଗୋଟେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟିଏ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି, 5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫେରିକି ଆସୁଛି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଉଛି, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି କୋଭିଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ କି କଲ୍ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ମିଳୁନି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ 4 ଘଣ୍ଟା ମେଡିକାଲରେ ବିତୁଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେତେ ସଂକଟାପନ୍ନ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁମାନେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ଦେଇପାରୁନି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଆଣୁନାହିଁ, ଇଏ ତ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ଇଏ ତ ମାତ୍ର 2 ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଏମିତି ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ଥିବ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନଥିବ, ଯେଉଁଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ କରୋନା ସନ୍ଦେହ କରିକି ଆଣିନଥିବ ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗେଇଛନ୍ତି ସେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କାହିଁକି କରାଗଲା ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ? PPE କିଟ୍ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ? ଏବେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ତା ଆଗରୁ ହୁଏତ ଆହୁରି ଜୀବନ ବି ଯାଇଥିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ଯେଉଁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର କରୁଣ କାହାଣୀ ଯିଏ କହୁଛି, ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବା। ମୋ ନାଁ ସ୍ମୃତି ରୂପା ପାଢ଼ୀ, ମୋ ବାପା ନାଁ ସୁଧାର ଶଙ୍କର ପାଢ଼ୀ। ତାଙ୍କର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାଙ୍କେ କେରାଇସିଂପୁରରେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ।
क्वारंटाइन सेन्टर में ड्यूटी पड़ला सेल्फ क्वारंटाइन रोते बेस किसी सिमटम्स ना सिमटम्स आसला कि दिन पर टिके टिके ज्वर रहिबार खास भी कम होबार बेसी किछि माने सीरियसनेस नथिला बहुत दिन जे 4 जुलाई रे सकाळ सकाळ कहला किछि जणा पडलानी तापरे तकर ब्लड वोमिटिंग हेला सकाळ 5टा रे मम्मी बहुत ट्राई कले बहुत जगह कॉल लगेले आंबुलेंस को कॉल लगेले आंबुलेंस आसीला किंतु नेलानी कहला आमे नबुनु गोटे अलग नंबर देले बहुत सारा अलग अलग जगह कॉल करहला मात्र कोविड गाड़ी अणा हो पारानी से भितरे बाबांगर ब्लड वोमिटिंग हो जाइला निश्वास नहीं पार नथिले पार्टी ही जेती की नेबा को ट्राई करथुले किंतु तापरे तंकर डेथ हला कि कहला किछि जणा पडलानी बहुत लेट रे सकाळ 5टा रु ट्राई करछु आमे 10टा पाखा पाखी हला टाइम को आसीला जतळ गाडी सेतळ बाबा को निहाला तापरे आसे जणा पडलाई तंकर डेथ हे जायछि तापरे ता पर दिन आमर समसंगर टेस्ट हला टेस्ट रिपोर्ट बहुत लेट रे आसीला पॉजिटिव बोली आमु क्वारंटाइन सेंटर को पठाय गला तापरे मोर जेजे बापा जेजे मां को टाटा हॉस्पिटल नहीं रखाला सेडी तांको आईसीयू रे रखाला सेडी जेजे बापांगर भी 12 जुलाई रे डेथ हे वाला मियाति आपनो सुनुथिले गोटे छोटो झियटी जो करुण कहानी कहुची तांको बापांगर मृत्यु हेची तांको जेजे बापांगर भी डेथ हेची बोली से कहुची करोना रे करोना योद्धा हारिछंती किंतु एटी अवहेला हेची एटी प्रशासन क्षेत्र रे अवहेला हेची एटी पर्याप्त परिमाण रे चिकित्सा सुविधा जोगे दिया जाई पारु नाही गंजामवासी को आउ गंजामवासी जतेबेले आसुछंती भुवनेश्वर को एटी तांको अछुआ व्यवहार करा जाउची प्राइवेट हॉस्पिटल माने मध्ये तांकर ट्रीटमेंट करू नाहंती जोटा कि गोटे बड़ प्रश्न तैयार करिछि एवं जो माने गंजाम रे अछंती सेमानक मध्य रे भी ए आशंका रहुछि ए भय भी रहुछि पीतांबर बड़ कथा हेउछि गंजाम रे बेकाबू हे सारिछि करोना गोटे प्रकार कहबा को गले प्रशासन हाथ रु खसी सारिछि एबळी क्षेत्र रे जदि पर्याप्त चिकित्सा सुविधा सुजोग न दिया हबो गोटे पेशेंट केमिति आसीबो हॉस्पिटल को आंबुलेंस पर्याप्त आंबुलेंस रहिबा दरकार आउ ड्राइवर मानको भी सचेतन करिवार आवश्यकता निश्चित भाव दुर्गाशिष आम गोटे कथा कह जिते कि घटना को आसी प्रथमतः आम कह ब्रह्मपुर कथा ब्रह्मपुर श्रीरामनगर अंचल रे ठीक से लोकटे छटपट है आंबुलांस जा फेरिकी आसला गत काली जदि प्रहलाद नगर कथा कह ठीक से अनुरूप भाव घटना घटला गोटे छोट पिला का कौन प्रकार आंबुलांस पहुंची पारा ना ठीक से क्षेत्र में देखा कोरोना योद्धा जी जन रही 5 घंटार व्यवधान तो यही क्षेत्र में जदि आंबुलांस टिके पहुंची पारुनी ठीक अनुरूप भाव जदि ग्रामांचल कथा चिंता करिबा ये हूँ आशिका ब्लॉक रो घटना ग्रामांचल कोलोसरा रे मध्य एमती गोटे घटना सामना को आसीथिला बारंबार घटना घटुची प्रशासन को मध्य अवगत करा जाउची किंतु प्रशासन कौन सी प्रकार सुविधा सहयोग पहुंचा जाई पारु नाही प्रशासन तरफ पहुंचा जाई पारु नाही किंतु अन्य पटे राज्य सरकार गंजाम को फोकस करुछंती गंजाम को 100 आंबुलेंस पठा जाइछि मेडिकल टीम पठा जाइछि प्रशासनिक अधिकारी पठा जाइछि से माने केउठी अछंती केउभली भाबरे कार्य करुछंती सेमाने सेवा तो पहुंचाई पारु नाहंती तो एभली क्षेत्र रे लोक मान हतात रहउचंती किंतु गंजाम जिला पई कोन सेवा पहुंचाईचंती सरकार एठी गुटी एते बडा प्रश्नवाची सृष्टि होउची जदि कोरोना जोधाटिए अकाल रे मृत्यु होईची तांकर बापांकर मध्य मृत्यु होईची परिवार पुरुष शून्य होई पडुची एभली क्षेत्र रे सरकार काहेकि चुप बसुचंती यही हूँ गोटे बड़ प्रश्न कहीं जिते जुलाई प्रथम सप्ताह रु घटना घटला आज पर्यंत यही घटना लुकायित तो अवस्था रही घटना टी बाहर को दुर्गाशीष सब बड़ कथा हूँ प्रशासन अवहेला राज्य सरकार गंजाम प्रति जो भाई भाव में आवश्यक पदक्षेप नवार आवश्यकता रही है संपूर्ण भाव कोविड परिचालन विफलता दुर्गाशीष निहाती पीतांबर आपण जो कथा कहते गंजाम रे स्थिति संगीन होदी एभली स्तर में गंजामवासी को ब्रह्मपुरवासी को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलकर चिकित्सा सुविधा करा एमकेसीजी रे जदि पेसेंट गला बेलू कई आटेड करेंगे ना कौन इमिडियेटली चिकित्सा करा कथा ताकि करा ताहले कोरोना केमिति मुकाबिला करा जीवो गोटे साधारण लोकर जीवन रक्षार दायित्व हेउची राज्य सरकार सुरक्षा दायित्व हेउची राज्य सरकार जिला प्रशासन रो
किंतु जिला प्रशासन एभली क्षेत्र में कौन पदक्षेप नौची जदि पर्याप्त होनी ताहले कौन योजना रहुची जो लोक मैंने हस्पिटाल को आसिया पई चाहूचंती विभिन्न रोग हो पारे कोविड न हो कि अन्य रोग भी हो पारे तो तांकु किभली अणाजीव हस्पिटाल ए जो दुई छोट पिलांक करुण कहानी ये अनेक वास्तवता को सामना को आनी सहित प्रशासन व्यवस्था को भी काठ घड़े छिड़ा करी आमे आशा करिबा जे एभली घटना आउ कहा सहित न घटू एमिती वीडियो वायरल न हो एवं आउ के छोट पिला तांको बापा किंबा मां को हराई थिबार ए करुण कहानी न कुहंतु एबे प्रशासन चेतु एवं इमिडिएटली ए दिगरे पदक्षेप नेउ। आमर बिग ब्रेकिंग को एठ रखुची, नमस्कार।